नमस्ते दोस्तों, मैं दिव्यन्दु मंडल मेरे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को स्वागत करता हूँ। मैं जो बाइसेल सिग्नल कम स्किनर मेरा वेबसाइट पे डिस्प्ले करता हूँ, उसी के थ्रू में मैं व्यू रेगुलर व्यू देता हूँ यूट्यूब के थ्रू में। मेरा वेबसाइट पे, मेरा फेसबुक पेज पे और व्हाट्सएप ग्रुप में पोस्ट करता हूँ, उसी को आप लोग को फिर से दिखाता हूँ। इधर मैंने एक इक्विटी और इक्विटी फ्यूचर लेवल्स भी मैंने इंक्लूड किया है, वो आपको बाद में दिखाता हूँ। ये पूरा जो FNS स्टॉक्स है पूरा इक्विटी फ्यूचर्स ही मिलेगा आप लोग को, अभी जो स्क्रीन करके मिलेगा उसी को आप लोग को दिखाता हूँ। ये फिल्टर कीजिए, फर्स्ट प्रॉबिटी 3 मैंने बाय साइड में देखता हूँ, क्योंकि सेल साइड में बहुत सारा है। प्रॉबिलिटी 2 और प्रॉबिलिटी 1, इसको स्क्रीन करते देखिए ये तीनों निकल आ रहा है। देखते हैं और क्राइटेरिया मिल नहीं रहा है क्या नहीं है। ए में 5/13 पूरा क्रॉस ओवर नहीं दिखा रहा है, लेकिन 8/20 क्रॉस ओवर हुआ है, 9/26 क्रॉस ओवर हुआ है। प्राइस चैनल का मिड बैंड का ऊपर है, मूविंग एवरेज का भी मिड बैंड का ऊपर है, मूविंग एवरेज चैनल लोअर बैंड का भी ऊपर है, और बोलिंजर बैंड का मिड बैंड का ऊपर है। बोलिंजर परसेंटेज भी सब पॉजिटिव है। किल्नर चैनल अपर मिडिल बैंड का ऊपर है, एमएसडी बुलिश है, पॉजिटिव है। मैंने बहुत बार बोलता हूँ कि वो ट्रेंड आप लोग जब कॉल लेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा इंडिकेटर आप लोगों को ऑटोमेटिकली पॉजिटिव दिखाएगा, मतलब फेवरेबल दिखाएगा। जिस साइड में करेंगे आप लोग उसी को दिखाएंगे। रिप्रेशन फोरकास्ट इधर 0 का इधर आप दिखा रहा है, ये दोनों नीचे दिखा रहा है, ठीक है देखते हैं। और इसनोकू देखिए, इसनोकू का ये कॉन्वर्सल लाइन और बेस लाइन है, क्रॉस ओवर हो गया। और इंटरडे का पिवट पॉइंट का ऊपर, पिवट पॉइंट और R1 के बीच में है, इंटरडे में है। 5 डे का टाइम फ्रेम में है, 15 डे का टाइम फ्रेम में भी पिवट पॉइंट और R1 के बीच में है, 30 डेज का टाइम फ्रेम में भी इसका अंदर है, पिवट पॉइंट और R1 के बीच में है, ठीक है। तो आप लोग ये इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए और ये लेवल को आप लोग नोट कर सकते हैं। और इधर न्यू बाय सेल लेवल कम न्यू बाय सेल लेवल 1 और 2 को भी देख लेते हैं। ये देखिए न्यू बाय सेल लेवल 1, ये न्यू बाय सेल लेवल 1 और ये न्यू बाय सेल लेवल 2, ठीक है। और न्यू बाय सेल लेवल 2 को कैसे ट्रेड करना है, उसका कैसे ट्रेड करना है, उसका टारगेट स्टॉप लॉस कहाँ पर रहेगा, वो भी आप लोग नोट कर लग सकते हैं। अच्छा, और ये जो मैं इधर जो पूरा FNS स्टॉक का पूरा लेवल है 200 स्टॉक जो है 200 के ऊपर 205 का है, तो उसी का मैंने इसको आप लोग को दिया हूँ। तो इसको इसका फ्यूचर आप लोग का फ्यूचर का भी आप लोग नोट कर सकते हैं। इधर पूरा लेवल आप लोग को मिल जाएगा कंप्लीट वर्सन में, ये आप लोग नोट कर सकते हैं। अच्छा, और इसको बैंक निफ्टी नोट कर लीजिए। और निफ्टी बैंक निफ्टी ए लेवल भी आप लोग नोट कर सकते हैं।
चार्ट में देखिए, मैंने भारत पे